अयोध्या में 29 अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आगमन को लेकर जहां एक तरफ जिला प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर रामनगरी के संत भी राष्ट्रपति के स्वागत में पलके बिछाए हुए हैं। इसी को लेकर रामादल ट्रस्ट के अध्यक्ष कल्की राम ने राष्ट्रपति को भेंट करने के लिए रामायण व झंडा रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को सौंपा है। इसके अलावा कल्की राम ने श्री राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान रामलला को पहनाने के लिए नए वस्त्र भी भेंट किए हैं। वहीं रामलला ट्रस्ट के अध्यक्ष कल्की राम ने बताया कि पहली बार कोई राष्ट्रपति रामलला के दर्शन पूजन के लिए अयोध्या आ रहे हैं। ये रामनगरी के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि करोड़ों राम भक्तों के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि रामलला के लिए जो वस्त्र मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को भेंट किया गया है, उसी वस्त्र में राष्ट्रपति रामलला का दर्शन करेंगे। देखिए, रामलला से जुड़ा जो अपना स्नेह है, मैं समझता हूँ कि 130 करोड़ के बीच में भगवान ने इस निमित्त हमको पैदा किया है कि हम अपने राष्ट्र के लिए कुछ करते रहें। पिछली बार जब प्रधानमंत्री जी आए थे उस समय भी वस्त्र किए गए थे और महामहिम आ रहे हैं। पहली बार देश के इतिहास में ये पहला मौका है कि जब हमारे रामलला के सामने महामहिम रहेंगे, तो इसलिए रामलला को पोशाक दी गई है, जो उसी पोशाक में महामहिम दर्शन करेंगे। विजय पताका इसलिए दी गई है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, विश्वगुरु के पद पर आसन्न हो। आज भारत की जो पहचान पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल बनी हुई है, रामलला की कृपा से अल्प समय में 100% प्रधानमंत्री का प्रयास सफल हो, इसके लिए विजय पताका। पूरे विश्व में सनातन धर्म सशक्त हो, इसके लिए धर्मध्वज। और रामचरितमानस मुख्य पुजारी परम सद्धे श्री सत्येंद्र दास जी को दी गई है। इनका बहुत बड़ा स्नेह रहा है कि राष्ट्र के प्रति जितने भी अनुष्ठान, चाहे प्रधानमंत्री को लेकर 8 साल से चल रहा है वो अनुष्ठान, समय समय पर जो अनुष्ठान चलता है। और एकमात्र ये है कि रामलला के दरबार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ, भारत के खिलाफ षड्यंत्र जाता है, तो रामलला के दरबार में मुख्य पुजारी जी राष्ट्र के प्रति अनुष्ठान करने बहुत बड़ी भूमिका, और इनका आशीर्वाद हमको मिलता रहा है। 30 तारीख की पोशाक जो है जन्माष्टमी को, पुनः उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बने, प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में भगवा की सरकार बने, इसके लिए 30 तारीख को पोशाक रामलला को दी गई है। राष्ट्रपति के आने की सूचना पाकर यहाँ के जितने भी राम भक्त हैं बहुत उत्साहित हैं, और क्या न क्या उनको उपहार के रूप में दे दिया जाए। इस प्रकार से कल्की राम जी एक झंडा दिए हैं और एक रामायण दिए हैं उनको समर्पित करने के लिए, और रामलला का उस दिन जो वस्त्र है वह वस्त्र धारण कराने के किए हैं। तो इसलिए यह जो उत्साह यह हमारे देश के राष्ट्रपति के आने का है, यह बहुत ही अच्छा है, बहुत सुगम है। यह मैं समझता हूँ कि आज तक रामलला का दर्शन करने वाले एकमात्र हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। किसी राष्ट्रपति ने आज तक रामलला का दर्शन करने नहीं आया, इसलिए उनके जितना ही स्वागत किया जाए उतना कम है। आपको बता दें कि महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 26 से 29 अगस्त तक उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। 2 महीने में ये दूसरी बार है जब प्रेसिडेंट यूपी आ रहे हैं। 4 दिन के इस दौरे पर प्रेसिडेंट कोविंद लखनऊ, गोरखपुर और अयोध्या जाएंगे और कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। बता दें ये दूसरा मौका है जब राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल ट्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं और यूपी आ रहे हैं। याद हो 25 से 29 जून तक राष्ट्रपति कानपुर और लखनऊ के दौरे पर थे। पंजाब केसरी टीवी के लिए अयोध्या से संजीव आजाद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।